नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेक्नो ब्रदर्स का आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं वीवो का Y53i का अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू, जो कि Y53 का अपग्रेड वर्जन है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों कुछ इस तरह से आपको बॉक्स मिलेंगे। वीवो के सारे फोन के बॉक्स लगभग एक ही जैसे होते हैं। व्हाइट कलर की बॉक्स में वीवो का पिक्चर बना हुआ। दोस्तों साइड की तरफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको वीवो का ऊपर ब्रांडिंग मिल जाएगा। नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे वीवो IPL का लोगो, और दोस्तों फाइनली पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे की तरफ कुछ हाईलाइटेड मेंशन किया गया, हाईलाइटेड फीचर मेंशन किया गया। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा, प्रीमियम क्वालिटी बॉडी और 2 GB रैम और 8 GB स्टोरेज के साथ, और स्नैपड्रैगन 425 का CPU। और दोस्तों यहाँ पे बॉक्स कंटेंट मेंशन किया गया और भी सारे कुछ फीचर और IMEI नंबर और कुछ यहाँ पे कंपनी की तरफ से मेंशन किया गया। फाइनली बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इस फ़ोन में हमको किस तरह की परफॉर्मेंस मिलते हैं। दोस्तों बॉक्स में मिलेगा आपको सबसे पहले वीवो का फ़ोन। फ़ोन के ऊपर लगा है प्लास्टिक का रैपर, तो फाइनली दोस्तों प्लास्टिक का रैपर को हटाते हैं। दोस्तों प्लास्टिक का रैपर हम फाइनली हटा दिए हैं। हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है Y53i, जो कि काफ़ी ग्लॉसी लुक दे रहा है। लुक वाइज तो दोस्तों यहाँ पे आपको Y53 जैसा ही आपको लुक मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोलो कार्बोनेट का बॉडी, जो कि आपको काफ़ी ग्लॉसी लुक दे रहा है। ऐसे में दोस्तों फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा है। इसकी बॉक्स कंटेंट में आपको सबसे पहले मिल जाएगा यहाँ पे आपको 2 एम्पीयर का चार्जर, जो वीवो की तरफ से है। दोस्तों सेकेंड नंबर पे मिलेगा आपको USB केबल, जो आपको माइक्रो USB केबल है, जो आपको यहाँ पे Type-C नहीं मिलता है। दोस्तों न्यू वर्जन के साथ में आपको Type-C देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको वीवो माइक्रो USB केबल ही दिया। दोस्तों सेकेंड नंबर पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल, और दोस्तों यहाँ पे वीवो की तरफ से कुछ क्विक गाइड्स दिया गया है। दोस्तों जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है यही आपको मिलेगा। बॉडी क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा पोलो कार्बोनेट का बॉडी। दोस्तों यहाँ पे आपको मेटल बॉडी नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का कैमरा विथ LED फ्लैश के साथ। दोस्तों नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइड की तरफ आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट, जो कि आपको यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है। नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रो USB चार्जिंग पिन, और दोस्तों साइड पे आपको मिल जाएगा स्पीकर, और यहाँ पे आपको सेकेंडरी माइक। दोस्तों साइड की तरफ देखते हैं, दोस्तों साइड की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम रॉकर की, और दोस्तों यहाँ पे आपको पावर की। दोस्तों ऊपर की तरफ हम फाइनली देखते हैं तो दोस्तों ऊपर की तरफ यहाँ पे मिलेगा 3.5 mm की ऑडियो जैक। फोन को कर लेते हैं बूट और देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। जब तक इसका होता है सेटअप कंप्लीट, तब तक इसके स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज के साथ, साथ ही साथ आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। दोस्तों यहाँ पे कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा विथ LED फ्लैश के साथ, और साथ ही साथ आपको फ्रंट में मिल जाएगा 5 मेगापिक्सल का कैमरा। बैटरी क्वालिटी की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2500 mAh की बैटरी, और दोस्तों यहाँ पे आपको डुअल सिम प्लस साथ ही साथ आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि आपको डेडिकेटेड स्लॉट है। दोस्तों यहाँ पे आपको OTG सपोर्टर भी मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 inch का डिस्प्ले, रेगुलेशन आपको 960x540 pixel। तो प्रोसेसर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 का प्रोसेसर, जो कि 1.GHz और क्वाइट कोर पे काम करता है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंड्रॉयड 6.0, जो कि मार्शमेलो पे काम करता है। दोस्तों यहाँ पे वीवो ने थोड़ा चीप काम किया है, यहाँ आपको ओरियो दे देना चाहिए था। तो देखते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी। दोस्तों कैमरा क्वालिटी यहाँ पे आपको अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल की कैमरा क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी है। यहाँ पे आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों 8 मेगापिक्सल की कैमरा का फोटो है। दोस्तों ये इसी फ़ोन का फोटो है। दोस्तों कैमरा क्वालिटी के हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छा है। रेट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रेट मिलेगा 7,990, और दोस्तों आप अगर लेते हैं ऑफलाइन स्टोर से दोस्तों तो वहाँ पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल ही जाएगा। अगर आप ये फ़ोन ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं तो आपको यहाँ पे 1 साल का वारंटी के साथ साथ आपको 1 माह का रिप्लेसमेंट वारंटी भी मिल जाएगा।